हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इस खूबसूरत सा पैटर्न का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस पैटर्न को आप लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप या फिर बच्चों की फ्रॉक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो है आपको बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप फंदे डालने के बाद इसको बनाना शुरू कर सकते हैं और आप इसको चाहें तो एज अ बॉर्डर भी बना सकते हैं, चाहें तो आप इसको पूरे प्रोजेक्ट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो फंदे चाहिए होंगे वो आपको 16 के मल्टीपल फंदे चाहिए होंगे। आप 16-16 के मल्टीपल करते हुए लास्ट में आपके पास 3 फंदे होने चाहिए, तो ये डिज़ाइन जो है आपके प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा। और इसकी जो रॉन्ग साइड की जो सिलाइयाँ जितनी भी बुनी जाएंगी वो सारी उल्टी आएंगी। 8 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है और बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फंदे लिए हैं 32, 16 के मल्टीपल 16 × 32 और 3 फंदे एक्स्ट्रा। और फंदे डालने के बाद एक सिलाई राइट साइड से और एक सिलाई रॉन्ग साइड से मैंने उल्टी बना ली है। और अभी हम डिज़ाइन जो है वो शुरू करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। ये पहला फंदा एज स्टिच है, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुना। अभी धागा दो बार ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर जाली देनी है, एक फंदा बढ़ाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 3 फंदे उल्टे बुने। अभी धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को वैसे उतारेंगे, इधर लेंगे लेफ्ट नीडल में ऐसे और इन फंदों को दो का एक करेंगे सीधे में। अभी 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे बुने और इन 2 फंदों को आगे से ऐसे सिलाई को डालते हुए 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे ऐसे। धागा अपनी ओर करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। अभी धागा अपनी ओर ही रखेंगे, यहाँ पर जाली देनी है और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। अभी ये पहला फंदा एड स्टिच छोड़कर यहाँ से लेकर और यहाँ जाली तक की इस फंदे को भी छोड़कर और यहाँ से लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। इन 16 फंदों को हमने पहली सिलाई में रिपीट करते हुए जाना है। अभी ये पहला फंदा सीधा हमने बुन लिया। अभी 2 बार धागा घुमा देंगे इस तरह से, यहाँ पर जाली देंगे, फंदा बढ़ाएंगे 1 और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे किया, इस फंदे को वैसे पलट देंगे और इस फंदे को दोनों को 2 का 1 करेंगे सीधे में। अभी 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे बुने और इन दोनों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी ओर रखेंगे, यहाँ पर जाली देनी है, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और ये लास्ट का फंदा एड स्टिच ये हमारा सीधा आएगा, ये देखिए इस तरह से। और रॉन्ग साइड की जो सिलाई है इसकी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ अभी इस डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अभी आ गए हैं राइट साइड, ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। पहला फंदा एड स्टिच है, इसको हम ऐसे उतारेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया है इसको भी अभी हमने सीधा बुनना है इस तरह से। अभी धागा 2 बार घुमाएंगे, यहाँ पर जाली देंगे और आगे से 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 और ये 3 3 फंदे उल्टे बुने। धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, पलट देंगे और इनको 2 फंदों को पीछे से 2 का 1 करेंगे और आगे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 3 फंदे सीधे बुने और इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 धागा अपनी ओर ही रहने देंगे, यहाँ पर जाली देनी है और ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे ऐसे। यहाँ से हमारा जो अभी रिपीटेशन है वो शुरू होगा, जाली देंगे।
चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन की अभी चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अभी आ गए हैं राइट साइड पर, ये हमारी पांचवी सिलाई है। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसको हम ऐसे उतारेंगे। ये फंदे अभी हम सीधे बुनेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे सीधे बुने। यहाँ पर जाली देंगे, इससे ऐसे धागे को घुमा लेंगे और आगे से तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, दो और ये तीन, तीन उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को वैसे उतार कर पलट लेंगे और इन दो फंदों को दो का एक करेंगे ऐसे सीधे में। इस तरह से दो का एक किया, बीच में अभी एक फंदा हम सीधा बुनेंगे ये वाला, इस तरह से इन दो फंदों को दो का एक करेंगे। आगे से सिलाई को डालेंगे इस तरह से और दो फंदों को दो का एक किया सीधे में, धागा अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, दो और ये तीन, धागा अपनी ओर ही रखें। यहाँ पर जाली देनी है, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, दो तीन चार और ये पांच, अभी हमारे ये पांच फंदे बीच में सीधे आ गए जाली वाले। और अभी यहाँ पर दो बार धागा घुमाएंगे, यहाँ से हमारा जो रिपीटेशन है वो शुरू होगा। फिर से अभी हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो ये तीन, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को वैसे उतार कर पलट लेंगे और इनको दो फंदों को दो का एक करेंगे बैक लूप से बुनते हुए इस तरह से, और एक फंदा सीधा ये वाला, और इन दो फंदों को आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और दो फंदों को दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, दो और ये तीन, और यहाँ से जाली देनी है, धागा अपनी ओर ही रहे और फंदे एक दो तीन सीधे बुने, और ये लास्ट का फंदा एज स्टिच, इसको हम सीधा बुनेंगे। और अभी इसकी जो छठी सिलाई है रॉन्ग साइड से वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन की अभी जो है छह सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अभी सातवीं सिलाई पर आ गए हैं राइट साइड, एज स्टिच को उतारा, ये फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे बुने, धागा दो बार घुमाएंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे। अभी ये जो तीन फंदे हैं सीधे, इसमें से बीच वाले फंदे को हम ऐसे उतारेंगे और बैक वाले फंदे को इधर से ले लेंगे, इस लाइन में लेफ्ट निडल में लेंगे। और अभी ये जो दो फंदे हैं ये उतारा हमने इस साइड किया है जो, और एक ये वाला, इस फंदे को हमने ऐसे करके इन दोनों को दो का एक कर देना है इस तरह से, दो का एक किया। और ये जो फंदा है ये वाला, इसको हम इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ये देखिए ऐसे आएगा, ये धागा अपनी ओर करेंगे। अभी तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा अपनी ओर रहे, जाली देनी है। यहाँ पर ये फंदे सीधे बुने जाएंगे बीच वाले। यहाँ से फिर से रिपीटेशन शुरू होगा, धागे को दो बार घुमाया, जाली दी, तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। और ये जो बीच वाला फंदा है इसको हमने ऐसे राइट सिलाई में लेना है और इस वाले फंदे को हम लेफ्ट निडल में लेंगे इस तरह से। अभी ये जो दो फंदे हैं इनको हमने बैक लूप से ऐसे सीधा बुन लेना है, ये देखिए इस तरह से सीधा बुना। और ये जो फंदा हमने उतारा था बीच वाला, इसको इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ये देखिए ऐसे आएगा ये। अभी धागा अपनी ओर करेंगे, तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा अपनी ओर ही रहे, जाली देनी है और ये फंदे सीधे बुने जाएंगे। और लास्ट का भी हमारा जो फंदा एज स्टिच है ये भी सीधा बुना जाएगा, ये देखिए ऐसे आया है ये। और अभी जो इसकी रॉन्ग साइड की जो सिलाई है वो पूरी उल्टी बुनकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इस डिज़ाइन की जो आठ सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए डिज़ाइन जो है हमारा बनकर आ गया है, कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है।
बस इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट पर रिपीट करते हुए जाइएगा, तो आपका ये खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो बनता हुआ जाएगा, बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।